नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग प्रोवाइड करते हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक न्यूज और हर एक अपडेट। दोस्तों आज इस वीडियो में आज आपसे बात करूंगा बीएचयू बीएससी नर्सिंग बी फार्मा बीपीटी बीओटी के एग्जाम के रिगार्डिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सभी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, जो कि आपके 12 अप्रैल से 11 मई के बीच में भरे जा रहे हैं। तो जो भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आज आपसे इन्हीं सब के रिगार्डिंग में आज आपसे बात करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, उसमें आपको क्या क्या किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी और जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने लिखा हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट या एक मैं बात कहूंगी, आपका जो फॉर्म है वो 12 अप्रैल से भरा जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसकी जो न्यूज है आप लोगों को वो थोड़ा लेट दे रहे हैं। उसका रीजन है कि एक फॉर्म में एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी और जो कि जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है वो जरूर फेस कर रहे होंगे। तो आगे मैं वीडियो में आपसे इस बारे में बात भी करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग इन चार कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएचयू बीएससी नर्सिंग बी फार्मा बीओटी मतलब होगा आपका बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बीपीटी मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो आपको अगर इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे आप जाएंगे form0.in/imsbhu। इस साइट पे आपको जाते ही आप स्क्रॉल करके जब सबसे नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका आपको पासवर्ड पता हो, क्योंकि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर ही मेल जाएगा, तो वो उस ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे तुरंत आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद उसमें कुछ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, फोटोग्राफ और आपको सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, आप फोटोग्राफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जान लीजिए। फोटोग्राफ में सबसे पहली चीज तो आप मोबाइल से अपलोड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए उसमें एडोब फ्लैश प्लगइन मांगता है कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता। हो सकता है आपके मोबाइल में सपोर्ट करे, लेकिन आप अगर लैपटॉप से या कंप्यूटर से भरेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो फोटोग्राफ में कई चीजों का आपको ध्यान देना। सबसे पहली चीज, आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि आपकी 1 फरवरी के बाद की फोटोग्राफ हो ज्यादा अच्छा है। आपकी कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज आपको क्या ध्यान देना है कि आपके फोटोग्राफ पर नाम और डेट नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि लोग फोटो खिंचाते हैं उसके बाद कंप्यूटर से उस पर अपना नाम और डेट लिखा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको फोटो खिंचाते समय एक बोर्ड पकड़ लेंगे, आप जहां फोटो खिंचाएंगे वो लोग ऐसा करते हैं नॉर्मली कि बोर्ड पकड़े रहते हैं जिसपे आपका नाम और डेट लिखा होगा, तो उस तरीके से आपको फोटो खिंचानी है। फोटो पर अगर आपकी नाम और डेट रहेगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये साफ साफ आपके इंफॉर्मेशन ब्राउचर में लिखा है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। तो फोटोग्राफ में इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो फोटो होगी वो 1 फरवरी 2019 के बाद ही खींची गई हो। और अगली मैं बात करूं तो उसमें आपको अगला क्या काम करना होगा कि कोर्स का प्रिफरेंस देना है। ऐसा नहीं है कि इन चारों कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने हैं, फॉर्म एक ही भरना है। आपको क्या करना है, कोर्सेज के प्रिफरेंस सेट कर देने हैं कि जैसे बीएससी नर्सिंग को आप पहले प्रिफरेंस दे दिए, फिर बी फार्मा दे दिए, फिर आप बीपीटी दे दिए, फिर बीओटी दे दिए। तो आपको इस तरीके से अपने कोर्सेज के प्रिफरेंस दे दीजिए। आपको अगर सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए भरना है तो आप पहली प्रायोरिटी में बीएससी नर्सिंग रख दीजिए, बाकी सबको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपकी कुछ उसमें बेसिक डिटेल जैसे आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, बाकी कुछ एड्रेस ये सब पूछता है उसमें। उसके बाद सबसे मेन चीज आती है, उसमें क्या पूछता है कि आपका पूछता है कि आप 12th में अपीयरिंग स्टूडेंट है या पास स्टूडेंट है, और फिर आपसे आपका बोर्ड पूछता है, और फिर वो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के, और जो कि मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी आपको मार्क्स भरना अभी तक की अपडेट के हिसाब से। तो जो हमारे 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं जिनके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं वो उस चीज को नहीं भर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोगों ने सबसे पहले कंसीडर किया कि अगर अभी 12th अपीयरिंग स्टूडेंट जिनके अभी तक रिजल्ट ही नहीं आए हैं वो फॉर्म को कैसे फिल कर पाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहां IIMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू में यहां हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, तब आज जाके हम लोग को
उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिली है कि हाँ ये बहुत बड़ी गड़बड़ है जो कि आगे 2-3 दिनों के अंदर वो ठीक कर दिया जाएगा। तो जितने 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है वो अभी फॉर्म ना भरे, वो जब उनका वो 2-3 दिन बाद जब वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तब आप उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपको जो 12th के मार्क्स हैं वो भरना मैंडेटरी है, लेकिन 2-3 दिन बाद उसको चेंजिंग उसमें कर दी जाएगी कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट रहेंगे उनको मार्क्स भरने की जरूरत नहीं रहेगी, जिनके अभी रिजल्ट नहीं आए। जिनके रिजल्ट आ चुके हैं वो अब उसमें अपना जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स है उसको भर के अपना फॉर्म आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करनी है, इस फोटो भी स्कैंड अपलोड होगी और सिग्नेचर भी स्कैंड ही अपलोड होगी, और जो भी आपकी फोटो की बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, और जो मैंने आपको नेम और डेट के रिकॉर्डिंग बात बताई है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और ये तो रही आपके फॉर्म फिलअप करने की, आप फॉर्म फिल करके जब सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद जो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा वो पेमेंट का जो लिंक होगा वो एक दिन बाद अपडेट होगा, मतलब 24 घंटे बाद वो आपको लिंक मिलेगा। मतलब आप फॉर्म पहले सबमिट कर लीजिएगा, उसका 24 घंटे बाद आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, फिर आप फीस पेमेंट कर सकते हो। फीस कुछ ऐसी है कि 1,000 रुपए फीस है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 750 रुपए फीस है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो और उसके बाद में आपको कुछ इसमें एग्जाम डेट के बारे में बता देता हूं कि जो आपका एग्जाम डेट है वो 9 जून है, और ध्यान देंगे कि जो आपका एग्जाम होगा वो बीएचयू कैंपस में ही होगा, आपका जो सेंटर पड़ेगा वो बनारस में बीएचयू कैंपस के अंदर ही पड़ेगा, सेंटर और कहीं नहीं जाएगा आपका। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको 30 मई के बाद अवेलेबल होगा, जो आपके एग्जाम की आंसर की होगी वो 11 जून के बाद 11 जून को आंसर की आएगी आपकी, और रिजल्ट जो है आपका वो 16 जुलाई को आएगा, और जो काउंसलिंग और जो फर्दर प्रोसेस एडमिशन के वो 30 जुलाई से आगे स्टार्ट होंगे। जो आपका सेशन है वो कब स्टार्ट होगा वो आप जब काउंसलिंग कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये रही आपकी फॉर्म के रिगार्डिंग और एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात। और इसके अलावा आपकी जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें, बाकी सिलेबस, ये सब ऑलरेडी एक वीडियो में बताया जा चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूं कि बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत ज्यादा डिमांड है। मतलब आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर पेपर दिला दीजिए। तो हम लोग बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल करा देंगे, तो उसके भी अपडेट आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, बहुत ही जल्द। तो आप लोग निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।